कंपनीज का ही फोन आता है, इवेंट्स के लिए फोन आते हैं। तो गुड्डू मैं भी पीछे नहीं रही, देख लो तीनों, देखो देखो यहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं आता। क्या देख लिया आप लोगों ने, एक बात बताओ, जब 99% अच्छे लोग हैं ना, सबसे सुंदर बच्चा होगा ना वो मेरा ही है। तो आप वहाँ पे जाके ब्लॉग देख लेना, मेरी दादी के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया सुबह के बज गए 8:30 और अभी मैं निकल रहा हूँ हरियाणा के लिए। हाँ भाई चलेगा? नहीं बेटा, देख ले, इतनी सेल्फियां खींच लेंगे बाद में पता लगा जब जवान हो जाएगा ना कि मेरी फोटो किस किस के पास है ना। थैंक यू गाइस, गाना आपकी वजह से ट्रेंडिंग में आ रखा है और बहुत बहुत प्यार देने के लिए। आप जिन्होंने नहीं देखा जाके गाना देखो, मेरे भाई की एक्टिंग देखो, स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग भाई ने लिखा है, और मेरे को कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा और शोभी की आवाज आपको कैसी लगी। तो गाइस बस अभी अभी हम वर्कआउट करके नीचे आए हैं, हमारे साथ में है ट्विंकल, और ट्विंकल है एमपी से, और बहुत ही कमाल का वर्कआउट हमने कर लिया। वर्कआउट अगर आपको देखना हो तो इस लड़की की आईडी पे जाना है यूट्यूब पे, वहां जाके देख लेना। तो गाइस पूरी टीम हो गई रेडी, तो हम निकल रहे हैं भैया रोहतक के लिए। ठीक है चलें। ओके डन। खाना देखो अभी क्या पहले से भी बॉलीवुड की फिल्म जा रहा है, हमारे यहाँ भारतीय उसने जो डायरेक्शन उसने लिए इतने दुनिया बड़े पर्दे के लिए जय रानी आता, लेकिन मोहित भारती तो गाइस बहुत मजा आया और थक भी बहुत ज्यादा गए हैं, बस अभी निकलेंगे घर के लिए। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर पे, और भैया ये रास्ते में नींद आ गई थी, और ट्रैवल था हमारा यहाँ से 3 से 4 घंटे का। पाल की कॉल आया, मैंने फोन साइलेंट कर रखा था। हाँ भाई हाँ मैं समझ गई थी, मैंने एक कॉल किया फोन साइलेंट में, मैंने यही पहले क्या बोला, मैंने कहा सो रहे होंगे, क्योंकि ना आप तभी फोन साइलेंट करते हो जब सो रहे होते हो। फिर भी मैंने दूसरे नंबर पे कॉल किया तो इन्होंने कॉल उठा लिया था, क्योंकि वो जो नंबर है ना वो गाइस हमारा नंबर है, मेरा और पाल का नंबर है। तो कभी भी चीकू के पापा कहीं पर भी हो ना, तो मैं और पाल अगर फोन करेंगे तो उसी वक्त उठा लेंगे, क्योंकि बाकी के अंदर ना कंपनीज फोन आता है, इवेंट्स के लिए फोन आते हैं, बट वो नंबर सिर्फ मेरा पाल का है। तो गोलू और पाल भैया आज पहुंचे थे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाके जैद और चीकू की हाइट चेक करवाई, तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला कि दोनों की हाइट आपसे लंबी जाएगी। मुझसे? नहीं नहीं पागल है, आपकी 5'11" है ना। हाँ। इनकी 6 फीट जाएगी दोनों की। चीकू तो छोटा रहेगा। चलो कोई बात नहीं, बाप तो हूँ, चल लंबे चले जाओ, क्या होगा। और है ना डॉक्टर ने हमें ये बताया कि हमारी जो तूबा है ना वो इनसे जल्दी आपको पापा बोलेगी और इनसे जल्दी चलेगी। क्योंकि लड़की क्या चलती है भाई, कहीं का इतिहास उठा ले, लड़की 20 साल की, लड़का 25 साल का बराबर होते, 5 साल बड़ी लगती है लड़की। क्योंकि गुड्डू लेडीज गर्ल्स औरतों में ना सहन शक्ति ज्यादा होती है और दर्द सहने की कैपेबिलिटी भी ज्यादा होती है, और हर चीज में ना लड़कों से ज्यादा आगे होती है, इसलिए हमारी जल्दी सब कुछ करेगी। तो गाइस मेरे ना दिमाग में ना बड़े टाइम से क्वेश्चन घूम रहा था, मुझे ऐसा ना लग रहा था, पाल को भी लग रहा था कि जैद ना उसका हेड थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। तो डॉक्टर ने इसका हेड है ना वो इंची टेप से नापा और सब कुछ बताया कि इसकी एज के हिसाब से जो इसका हेड है ना बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी हाइट भी देखी और ये भी बताया कि जैद की हाइट ना काफी लंबी होगी। तो गाइस तूबा ने ना ऐसी टी शर्ट पहनी हुई है, सेम टी शर्ट मेरे पास है चीकू, और इस फोटो ये टी शर्ट की फोटो भी मेरे पास, अभी दिखाती हूँ गाइस आपको। और मैं चाहती हूँ कि चीकू के पापा लोगों ने मेरे को पहनते हुए बहुत बार देखी है, देखी नहीं भाई? हाँ देखी है बहुत बार, फिर भी थोड़ा सा फिर भी ये रिमाइंड करवा देती हूँ, क्या जाते हैं। तो काफी लोगों के ना कमेंट आए थे मुझे कल की, जब आप हरिद्वार घूमने गए थे ना, आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाते, तो आपको पता ही है गोलू और पाल दोनों अभी अभी भैया अभी बच्चों में फंसी हुई है, वो हरिद्वार नहीं गई है, पर हाँ जरूर जाएंगे एक दिन, है ना। मैंने बोला है ना वही वाले जिस होटल में आप रुके थे ना, जहाँ से होटल से ही आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं, उसी होटल में जाके बच्चों को सबको स्नान कराएंगे और वहीं रुकेंगे। तो गाइस एक काम करती हूँ, पहले अपनी फोटो दिखा देती हूँ, मेरे को मेरी फोटो मिल गई है, तो मम्मा और बेटी की सेम सेम, देखो हम दोनों सेम लग रहे हैं। तो गुड्डू मैं भी पीछे नहीं रही, देख लो मैंने भी सेम तूबा वाली टी शर्ट पहनी हुई, एक्चुअली टी शर्ट तो अरमान जी की थी, पर ना फिर हमने ले ली थी क्योंकि हमें थोड़ी लूज लूज टी शर्ट पहननी थी, तो ये हमने ले ली थी, इस पे हमने कब्जा कर लिया था। क्या हुआ? दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों ना एक साथ रहते हैं, एक साथ इनको दूध चाहिए होता है, एक साथ सोते हैं, उसकी वजह से गोलू और पाल होते हैं फुल तंग। हाँ। क्योंकि ना कभी कभी ये दोनों एक साथ करते हैं तो वो भी उठा हुआ होता है, फिर समझ में नहीं आता किसको फिट कराए किसको बिठाए। तीनों देखो देखो अब वो रो रही है, तो ये देखो अभी मैं लाइव एग्जांपल दे रही हूं, देखो लाइव एग्जांपल। जबकि इन बच्चों की गाइस इन बच्चों की ओवरऑल ना अलग अलग थी, ये सिम्टम्स ना जिनकी एक ओवरऑल होती है ना उनमें होता है,
पर ये इन दोनों की अलग लगती है, फिर भी सिम्टम सेम है। अगर आपको भी जुड़वा बच्चे करने हैं तो ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दीदी अंदर चले गई आपकी। तो पायल कह रही है जुड़वा बच्चों की मुसीबतें नहीं होती, तो भैया ये होती है क्यूट क्यूट मुसीबतें। क्यूट मुसीबतें, क्यूट कठिनाइयाँ। ऐसे क्या होते हैं जब बच्चे हो नहीं होते तो बोलते हो जाए हो जाए, जब बच्चे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं बच्चे बड़े हो जाए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं वापस छोटे हो जाए। लेकिन गाइस मैंने ना एक चीज एक्सपीरियंस की है, बताती हूँ आपको कुछ के ना, बच्चे जब तक पेट में होते ना तो ये टेंशन होती है यार, जैसे ग्रहण आ जाते हैं कि यार ग्रहण में कुछ होना चाहिए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, जब तक अंदर है ना हमें ये टेंशन आती है, बच्चे बोलते हों, बच्चे सुनते हों, बच्चे देखते हों, और होने के बाद ये टेंशन आती है अरे ये सो जाए, इनका पेट भर जाए, ये बीमार ना पड़े, चोट ना लग जाए, बस यही माँ की तो मतलब जब तक बच्चा पेट में हो बाहर हो टेंशन, जब तक ये बड़े नहीं होंगे ना अपनी सुध नहीं संभालेंगे, इनको खुद का देखना ना आएगा, तब तक टेंशन ही रहती है माँ को। तो गाइस कुछ लोग ना ऐसे ऐसे भैया कमाल की कमेंट करते हैं, मतलब सुन के ना हंसी भी आती है गुस्सा भी आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी टीम है इन हाउस टीम 22 लोगों की टीम, और एक टीम में हमारी ये लड़की इंक्लूड हो गई, अब ये करने वाली है वर्कआउट, गोलू और पायल भी करने वाली है वर्कआउट, और एक जो आ जाए थी, क्या नाम था उनका, उनका नाम ना नहीं पता, बट उनकी जो बॉडी है, उनकी जो प्रोफाइल है, मैंने सब चेक करी, बहुत ही अच्छी बॉडी बनाई रखी है, मतलब कि एथलीट है वो, बॉडी बिल्डर है, बहुत ही अच्छी बॉडी है। हमारे घर में अगर बात की जाए औरतों की, तो हमारे घर में 13 औरतें हैं। पायल बिल्कुल बिल्कुल, और ऊपर जैसे हमारे ना जब यहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं आता, सिर्फ लेडीज रहती हैं, लेडीज में जैसे मैं हो गई, गोलू हो गई, लक्ष हो गई, रोली हो गई, शांति हो गई, एक और दीदी है, फिर हमारी ये है छुटकी, छुटकी वैष्णवी, फिर अभी भी दो, एक नैना है, एक गुड्डी आंटी है, गुड्डी आंटी लोग आप लोग जानते होंगे, शुरुआत से गुड्डी आंटी है, नीचे काम करती थी, वो आंटी भी आ गई है, और मतलब हम भरे रहते हैं औरतों के बीच में, लेकिन आप लोगों के जब कमेंट आते हैं ना तो आप लोग कमेंट भी लिख देते। बात बताओ, देखो हम हरिद्वार गए, अच्छी जगह पे गए, और आपने शायद नोटिस नहीं किया कि हमने सेम कपड़े पहने होते, जो यहाँ थे वो वहाँ थे, मेरे साथ लक्ष्य गई हुई थी, लक्ष्य हरिद्वार गई है वैसे, नहा के भी आई है, फिर हम गए थे देहरादून, मतलब देहरादून से भी घूमते हुए फिर हम हरिद्वार पहुंचे, तो आदमी इतनी पाक जगह पे जाता है, उसके बाद भी आप इतने बुरे बुरे कमेंट करते हो, हाँ भाई तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम तो ऐसे करो, क्या देख लिया आप लोगों ने, एक बात बताओ, टीम किसकी नहीं बड़ी होती, ऑफिस की टीम इतनी बड़ी बड़ी होती है, वो अमरीका जाती है, गोवा जाती है, मुंबई जाती है, बिल्कुल और क्या, और ये तो हमारे बच्चे छोटे हैं तीनों, वरना हम भी होते वहाँ पे। मैं यही बात बोलती हूँ, ऐसा कभी भी कोई ट्रिप, मैं ना अकेला नहीं जाता, मैं अपनी पूरी टीम को लेके जाता हूँ, मेरे साथ उस दिन ना 9 लोग थे, आप एक बार ना 9 लोगों को हरिद्वार अपने खर्चे पे लेके जाओ, तुम्हें पता लगेगा। नहीं बिल्कुल सही बात, और ये ट्रिप है जिसमें मैं और पायल नहीं जा रही, और मतलब कि पहले की ट्रिप होंगी, नहीं तो गाइस पहले की जितने हम शिमला गए, हम देहरादून गए, हम कितनी जगह गए हैं पायल, बहुत जगह गए, और हम पूरी टीम जाते, नितिन भैया, अनुज भैया, जितने लोग होते थे, क्योंकि क्या हमारी ना टीम धीरे धीरे गाइस बढ़ती जा रही है, तो पहले जितनी टीम थी हम उतने लोग गए थे, अब क्या, अब क्या ना, अब हमारा थोड़ा टीम का काम और बढ़ गया, अब क्या है, अब हमारे गाने कंटिन्यू आने वाले हैं, उसके बाद क्या ना स्नैपचैट पे आ गया, स्नैपचैट पे भी हमारे यूट्यूब अकाउंट खुल गया, तो स्नैपचैट का काम भी हमारा बढ़ गया, तो चीजें ना धीरे धीरे बढ़ जा रही है, आपको जिसने, और साथ ही साथ क्या, बच्चों के अकाउंट भी बन गए, धीरे धीरे बच्चों की जो वीडियो है वो भी डलती है, तो दिन ब दिन काम जो है ना बढ़ता जा रहा है गाइस हमारा। तो गाइस मैं सारे व्लॉग देखती हूँ, तो एक ना बड़ा प्यारा सा कमेंट मेरे सामने आया था, तो मैंने सोचा स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, तो कमेंट सबसे पहले बता देती हूँ किसका है, कमेंट है बन गेट एन गर्ल का, जैद और बाकी बच्चों को देखे बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती, पहले पायल और कृतिका को देखने आती थी, अब बच्चों को देखने आती हूँ, भगवान सारे बच्चों को हर बुरी नजर से बचाए और हमेशा खुश रहे, गॉड ब्लेस ऑल मलिक फैमिली। तो इसका प्यारा सा आंसर देने वाला है चीकू। थैंक यू, आपने इतना अच्छा कमेंट दिया, और आपके भी आपको भी कोई मुसीबत ना आए तो आपके लिए थैंक यू। तो चीकू ने बहुत प्यारा कमेंट दिया, देखो बच्चा है छोटा सा, और जवाब दिए बहुत प्यारा है, तो बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना प्यारा कमेंट करा है कि पहले आप हमारे लिए ब्लॉग देखते थे, अब बच्चों के लिए देखते हो। तो कुछ दिन पहले पायल बोल रही थी कि जो गर्ल्स होती है ना वो एक्टिव होती है बॉयज से ज्यादा, तो इसी पर कमेंट आया रितिका जी का, जो कि पढ़ती हूँ, टू बॉयज सो क्यूट, शी हैज अ लिटिल फेस व्हिच मेक्स डिफरेंस बिटवीन आयान एंड जैद, कि वो क्यूट प्रिटी नाजुक कोमल सी बेबी गर्ल है, तुबा इज सो लकी टू हैव दिस ब्यूटीफुल फैमिली, एंड यस पायल दीदी यू आर राइट, गर्ल्स आर मोर एक्टिव देन बॉयज एज कम्पेयर टू बॉयज, वो जल्दी चलने भी लगेगी, ये बात आज हमें डॉक्टर ने भी बोली थी कि जो गर्ल्स होती है वो जल्दी चलने लगती है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। बाकी हम लोग बहुत लकी है कि हमारी फैमिली में तुबा है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इंतजार था कि हमारे घर में एक बेबी गर्ल हो, ताकि जो भाई है उनकी जो कलाई है कभी खाली न जाए रक्षाबंधन वाले। हर भाई को बहन चाहिए होती है, तो मेरी ख्वाहिश
पूरी गलती, मैंने बोला था दो भाई होगी एक बहन होगी, वही सेम हुआ। कि आप हो ना बेटा, जो आप बच्चे होते ना भगवान का रूप होते, तो आपकी बात जो है ना भगवान के पास डायरेक्ट गई थी। तो गाइस एक प्यारा सा कमेंट और है मिसाबा चौधरी जी का, हैट्स ऑफ लेडीज, आई सॉ सीन योर व्लॉग सिंस आई नेवर सीन यू बोथ लेडीज सिटिंग और रेस्टिंग एज दिस डे लेडीज आफ्टर डिलीवरी विल क्लीन वॉश एंटरटेन सो मेनी पीपल इन योर होम ग्रेट, हैट्स ऑफ, आई फील लाइक यू डिजर्व गुड केयर, प्लीज रेस्ट एंड टेक केयर अदरवाइज इट विल पेन आफ्टरवर्ड्स। तो बिल्कुल सही बात है गाइस, ये जो पॉजिटिविटी एनर्जी आती है ना मुझमें, ये पायल की वजह से आती है। तो इसका जो कमेंट है ये बहुत ही प्यारा कमेंट है, मतलब कि हमारे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि हमारी दोनों का सी सेक्शन हुआ है, इसके बावजूद भी हम हर चीज को हैंडल करते हैं। तो इसका सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है पायल। मेरे साथ साथ इसका क्रेडिट जाता है अरमान जी को, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद ही ना अरमान जी ने हमारी इतनी फैसिलिटी कर दी है घर में, कि हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ना फीड देना होता है। कमेंट और है जो कि है ट्रिपल एम से, तो कमेंट है यू शुड नॉट पुट किड्स इन द हॉल व्हाइल दे स्लीप, कीप देम इन अ सेपरेट रूम एंड कीप द ओपन डोर, द डिस्टर्बेंस इन स्लीप इज अ रीजन व्हाई दे वेक अप होल नाइट। तो इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि हम लोग रात को जब यहाँ पे होते हैं ना ड्राइंग रूम में, तो तभी सिर्फ बच्चे यहाँ पे होते हैं, क्योंकि अंदर चीकू सोया होता है। चीकू की नींद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चीकू के पापा कहते हैं इसको 8 बजे सुला दिया करो, तो चीकू डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम लोग बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं। लेकिन जब बच्चे सो जाते हैं ना, उसके बाद वापस हम उसी रूम में जाके सोते हैं। तो गाइस एक कमेंट मैं और पढ़ना चाहती हूँ, जिसने मतलब कि रुचिका जैन जी का कमेंट है, उन्होंने हमें एक प्यारा सजेशन दिया है। सजेशन क्या है बता देती हूँ, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू डेट देयर इज अ पीर दरगाह नियर मुलन पर नियर न्यू चंडीगढ़, जय बाबा रहमत शाह जी की, मस्ट विजिट देयर विद योर किड्स एज देयर इज अ लॉट्स ऑफ पीस देयर, मेनी पॉपुलर सिंगर माशा अली वन ऑफ देम केम अ फ्यू डेज अगो एट अ फंक्शन एंड सैंग देयर, आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट वंस। अच्छा इसका मैं समझ गई, हम लोग साईं बाबा मंदिर गए थे ना सेक्टर 29, तो शायद आपने उसी पे कमेंट किया था, ये हमने आपको बोला था वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सुकून मिला है। ठीक है, तो आपने हमें सजेस्ट किया गोलू, नेक्स्ट टाइम हम वहाँ भी जरूर चलेंगे। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे सजेशन के लिए। इसका पेट दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा पेट? देखो हाँ दवाई दो, आप टाइट कर दो, पत्थर हो रहा है ना बॉश में ना बच्चे बेटी तारीफ ज्यादा करी तुमने, बॉश तारीफ तो क्या गुड्डू, लोगों के भी ना इतने बुरे बुरे कमेंट आते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है सुन के। क्या हो गया? एक का कमेंट आया हुआ था कि ना बाकी दो बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू ना बहुत गंदी दिख, बोलने दे लोग जलील हो, तुझे पता है क्या? नहीं मैं बेटी को दुबई दूंगी, मैं दुबई 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 अभी 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। ना वही करते हैं 10 मिनट में जिनके बच्चे पैदा होते ही नहीं, पता तेरे को तो जिंदगी में मतलब ना अपने सगो के होते ना अपने बच्चों के होते। जो यार एक छोटे से बच्चे पे है कमेंट कर सकते हैं, वो उसकी सोच कैसी होगी बता। तुम मत रो ना, ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, जब 99% अच्छे लोग है ना 1% बुरे भी होते हैं। तो बचपन में ना मेरी दादी ना मुझे स्टोरी सुनाती थी, आज जैसे लोग बोलते हैं कि तूबा दिखने में ऐसी है एक्स वाई जेड कुछ भी बोलते हैं, तो एक स्टोरी थी, दो बच्चे होते हैं एक मोहल्ले में, मतलब बहुत ही सुंदर बच्चा होता है बहुत ही सुंदर, और एक थोड़ा सा दिखने में थोड़ा फीका उससे। तो स्कूल में चले जाते हैं दोनों बच्चे, तो जिसकी सुंदर जो सुंदर बच्चा था उसकी माँ बोलती है एक पड़ोसन को कि आप स्कूल जा रहे हो फलाने फलाने, कह रही हाँ जी मैं जा रही हूँ अपने बेटे का खाना देने, कह रही जाओ मेरा खाना भी दे देना, तो कह रही मैं आपके बच्चे को पहचानती नहीं, काम करना जो स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा होगा ना वो मेरा ही है, आप उसको जाके खाना खिला देना, कह रही ठीक है। तो शाम को बच्चा घर आता, घर आके माँ को बोलता मम्मी आज मैं भूखा हूँ मुझे खाना नहीं मिला, कह रहे मैंने तो फलाने फलाने पड़ोसी को खाना भेजा था तेरा तूने दिया नहीं, कह रहे नहीं मुझे नहीं मिला। तो उसके घर जाती है, घर जाके उसको कहती है तुझे शर्म नहीं आती मेरा बच्चा भूखा रह गया, तेरे को बोला था खाना क्यों नहीं दिया, तेरे से नहीं दिया जाता तो मैं दे देती, करे बहन जी मैंने तो खाना खिलाया था, करे किसको खिला था, फिर आपने बोला था ना जो तेरे को सबसे सुंदर बच्चा लगे उसको खिला दिया, तो मैंने मेरा बेटा मेरे को बहुत सुंदर लगता था मैं तो उसको खिला दिया। तो माँ के लिए भैया अपने बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता, माँ को अपना बच्चा बहुत सुंदर लगता है बहुत प्रीटी लगता है सब कुछ लगता है, बाकी पायल बताई बिल्कुल सही बात बताई हमारी दादी जी ने, वो हमारी दादी की फोटो जो उनको इतनी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती थी। मुझे उस टाइम हमारे में टीवी नहीं होता था, हम रात को सोते नहीं थे, मेरी दादी स्टोरी सुनाती थी कहानियां रिपीट में वही सुनाने, कुछ कहानियां तो ऐसी थी हाथों बना के सुनाने लगे। मैं आज मैंने अपनी दादी के बारे में बताया अरमान मलिक पे, तो आप वहाँ पे जाके ब्लॉग देख लेना। तो मैं और गोलू हॉस्पिटल जा रहे थे, तो ना गोलू ने बोला कि ना जैद को जो तूने कड़े पहनाए ना चीकू वाले, ये मैं संभाल के रखूंगी, जैद के या फिर इनके बच्चे होंगे ना उनको दूंगी, चीकू का जैद का बच्चा होगा। मैंने कहा देख पहले ऐसे होता था, जैसे मेरी दादी थी मेरी दादी के बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, तेरी दादी थी क्या थी? मैंने कहा पहले के लोग ना इतना जीते थे 100 साल 110 साल 120 साल, तो एक माँ के लिए ना अपने चाहे घर में 7 बच्चे हो ना 7 के 7 बच्चे इक्वल रहेंगे, ऐसा नहीं है वो एक को खाना ज्यादा दे दे दूसरे को कम, नहीं, अगर घर में 2 रोटी होंगी ना तो सबको आधी आधी देगी, ऐसा नहीं होगा कि एक एक बच्चे को 2 रोटी खिला, चाहे वो खुद भूखी रह ले पर बच्चों को दादी से स्टोरी सुनती दादा दादा सुना दादा सुना कोई नहीं सुनाता
हैं, मम्मी तो हैं। तो आंटी जी सुन रहे हो आप ये बात, ये लड़की बोल रही है मम्मियाँ स्टोरियाँ नहीं सुनाती, ऐसा है? अरे तो मम्मियाँ टेक केयर करती हैं, दादा दादी फ्री टाइम में बातचीत करते रहते हैं। एक चीज पूछूंगी गाइस, इनको कौन कौन जानते हैं कमेंट करना। ये है हमारी गुड्डी आंटी, आपने नाम तो सुना ही होगा। तूबा क्या हुआ, पेट में दर्द? ले चलो चलो, दिखाइयो मुझे। दीदी चुप करो बेटा, जैद तो आज इंजेक्शन लगा हुआ है, उसके इंजेक्शन के नशे में। आज जैद को भैया पेन किलर वाला इंजेक्शन लगा जिससे उसको दर्द नहीं हो ना। पेनलेस इंजेक्शन। क्या कह रही है, ले चलो क्या, चलो नहीं तो वैसे आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। शायद क्या पता मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। नमस्ते वाला।